सोटो वन एम्पीफाई पुशिंग के एपिसोड वन में आपका वेलकम है। हमें इंडिया में टॉप वन करने के लिए 37,000 स्कोर की जरूरत पड़ने वाली है एंड यहाँ पर हमारा ऑलरेडी 10,000 स्कोर कंप्लीट हो चुका है एंड इस सीजन के एंड होने से पहले हमें यहाँ पर इंडिया का टॉप वन का टाइटल अचीव करना है। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं होते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो बिना देरी के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहले ही मैच में हम यहाँ पर उतरे थे मास इलेक्ट्रिक पैन सामने की तरफ एक बंदा जा रहा हो, क्या ही गंदे वाला हेडशॉट मार के मैंने इसे यहाँ पर फिनिश किया था। भाई बंदा भी सोच रहा होगा भाई हैकर है क्या। अबे यार नोबड़े तुक्का कित हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ से सीधा मैं यहाँ पर आ गया एंड हमारे ऊपर एक ड्रोन ने रश कर दिया था। इस बंदे को तो मैंने क्या ही गंदे वाला डैमेज दे के नोक किया था बट इसका टीममेट भाई क्या ही मुझे गंदे वाला डैमेज दे रहा था एंड इसने मुझे यहाँ पर डाउन कर दिया। बट मेरा टीममेट पता नहीं क्या कर रहा था यार, मार ही नहीं रहा इसे एंड उसी के साथ सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्वाइन यूज किया सही टाइम पे एंड उसी के साथ जो ये पीछे से बंदा आ रहा था इसे मैंने यहाँ पर डैमेज दिया एंड उसी के साथ फिनिश कर दिया। बेचारे को तूने पीछे से आगे किल किया था नोबड़े। एंड उसके बाद मैं पीछे की तरफ आ गया एंड यहाँ पर मैंने नेलर यूज किया बट यहाँ पर एक गाड़ी वाला आया और भाग गया पता नहीं क्यों। बट उसके बाद वहां से सीधा हम यहाँ पर कैंपर बन गए। भाई क्या ही कैंपिंग कर रहे हैं हम एंड सामने की तरफ एक बंदा था उसे हमने यहाँ पर मशीन गन से क्या गुंदे वाला डैमेज दिया बट वो यहाँ पर फॉर्ड में चला गया एंड उसी के साथ मैंने उसके यहाँ पर सबसे पहले ग्लोल तोड़ी एंड यहाँ पर उसे मैंने डाउन कर दिया। बट पीछे से यार थर्ड पार्टी करता है। अबे वो सही कर रहा है थर्ड पार्टी। बट मैंने सही टाइम पे यहाँ पर ग्लोल प्लेस करके अपने टीममेट को रिवाइव दिया एंड जो वो वाला किल था यार किसी ने मेरा चोरी कर लिया। भाई तुझे मैं क्या कहूँ यार गाइस, बट इस बंदे में मुझे गुस्सा आ रहा है, वो कितना ही गंदा डैमेज दे रहा है। भाई ये सामने वाली जो वो है ना छत उस पे छुपा बैठा है एंड उसके बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पर स्कोप ओपन किया एंड उसी के साथ सबसे पहले मैंने इसे यहाँ पर डैमेज देने की कोशिश किया एंड उसी के साथ मैंने इसे यहाँ पर नोक कर दिया। भाई अब बोल क्या करेगा एंड उसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर टेलीपोर्ट मशीन लगाई एंड टेलीपोर्ट होकर मैं वहाँ से सीधा यहाँ पर आ गया एंड इसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर आके फिनिश कर दिया। और इसका दूसरा टीममेट क्या ही सोच रहा होगा, भाई मेरा टीममेट कैंपर बन रहा था और उसे किसी ने पीछे से आके फिनिश कर दिया एंड उसी के साथ वहाँ से सीधा मैं यहाँ पर आ गया एंड यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस बंदे को डैमेज देने की कोशिश किया एंड उसी के साथ थर्ड पार्टी करके मैंने इसे यहाँ पर फिनिश कर दिया। अबे नोबड़े तू थर्ड पार्टी कर सकता है, तेरे कुछ और बस क्या नहीं। अबे चुप रह बिल्ले। उसके बाद मैं वहां से सीधा इस वाले ग्लोल को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा बट पीछे से किसी बंदे ने हमारे साथ यहाँ पर थर्ड पार्टी कर ली एंड मेरे टीममेट ने मुझे सही टाइम पे रिवाइव दिया बट मेरे पास इंजेक्शन दोनों में साथ ही यूज कर रहा एंड इंजेक्शन भी उसे होगा टीममेट ने भी रिवाइव दे दिया। भाई क्या ही बंदा हूँ मैं। बट पीछे से भाई ये जो थर्ड पार्टी वाला बंदा है भाई ये क्या ही गंदे वाला डैमेज दे रहा है। भाई देखो मेरा टीममेट भी नॉक कर दिया इसने एंड मैंने यहाँ पर जैसी ग्लोल प्लेस की भाई ये बार बार ग्लोल तोड़े जा रहा है। भाई क्या करे इसका हम एंड उसी के साथ वापस मैंने ग्लोल प्लेस की एंड उसी के साथ वापस तोड़ दी। जैसे हमने यहाँ पर बैक किया हमें यहाँ पर MP5 में 100 की ग्लोरी मिल गई एंड उसी के साथ हम यहाँ पर नेक्स्ट मैच में आ गए एंड यहाँ पर नेक्स्ट मैच में मैंने स्क्वाड मैच स्टार्ट किया था क्योंकि स्क्वाड में यहाँ पर हमारे अच्छे खासे किल निकल जाते हैं एंड उसी के साथ हमें यहाँ पर MP5 में अच्छी खासी ग्लोरी मिल जाएगी एंड यहाँ पर एक बंदी घूम दिया रुक, इसे मैंने क्या ही गंदे वाला डैमेज देकर डाउन किया था एंड उसी यहाँ सबसे पहले मैंने इसे यहाँ पर फिनिश कर दिया। एक बात बता नूब तो पीछे से किल कर सकता है हर बंदे को। एंड ओके उसके बाद मैं वहाँ से सीधा यहाँ पर आ गया एंड एक्समेट से मैंने इस बंदे को क्या ही गंदा डैमेज देकर नॉक किया था। भाई ये स्क्वाड का इसे दूसरा बंदा था, इसी स्क्वाड का इसके दो बंदे और है एंड जो दो बंदे हैं वो है वहाँ पर रेड हाउस के पास एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी पेटी लूट लेता हूँ। चलो कोई नहीं यहाँ से हम निकल लेते हैं, कभी यहाँ पर ये बंदे मुझे किल कर दे एंड उसके बाद वहाँ से सीधा मैं निकल के ड्रॉप के पास आ गया एंड ड्रॉप के पास एक बंदा था उसे हमने यहाँ पर डैमेज देने की कोशिश की बट यहाँ पर मेरा टीममेट उसे बहुत ही गंदे वाला डैमेज दे रहा था एंड मैंने क्या ही डैमेज दे के उसे नॉक किया था। भाई मैंने अपने टीममेट का किल चोरी कर लिया, टीममेट भी क्या बोल रहा होगा एंड उसके बाद वहाँ से सीधा मैं यहाँ पर इसे फिनिश करने आ गया एंड यहाँ पर एक लैम्बोर्गिनी वाला बंदा जा रहा था। भाई पता नहीं क्यों नहीं रुका वो, उसे या तो पता लग गया मैं प्रो हूँ या फिर वो पता नहीं क्यों नहीं रुका होगा एंड उसके बाद वहाँ से सीधा मैं लूट वूट करके यहाँ पर ड्रॉप के पास आ गया बट ड्रॉप में कुछ भी नहीं था एंड उसके बाद वहाँ से सीधा यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी करने आ गया क्योंकि यहाँ पर दो दो स्क्वाड की यहाँ पर फाइट हो रही थी एंड यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बंदे को यहाँ पर MP5 से डाउन किया एंड उसके बाद सबसे पहले मैंने इसे यहाँ पर फिनिश किया और बंदा भी पता नहीं क्या सोच रहा होगा भाई पीछे से आके यहाँ पर किल करता है एंड उसके बाद भाई एक बंदा यहाँ पर ऊपर से कूद के मॉन्स्टर ट्रक उठा लिया हमारा ही। भाई हमारे मॉन्स्टर ट्रक से हमें ठोक दिया एंड यहाँ पर मैंने सही टाइम पे ग्लोल में अपने आप को कवर किया एंड उसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेडिकेट यूज की एंड जो ये मॉन्स्टर ट्रक वाला बंदा था ये मेरा वापस यहाँ पर ठोक ना दे मुझे एंड उसके बाद जो मॉन्स्टर ट्रक वाला बंदा था उसे मेरे फ्रेंड ने यहाँ पर किल कर दिया एंड उसके बाद इसकी बेटी यहाँ पर किया ही गंदे हिसाब से बिछाई थी एंड उसके बाद वहां से मैं यहाँ पर लास्ट जोन में आ गया एंड यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसे तोड़ने की कोशिश की क्योंकि इसके अंदर एक बंदा था एंड यहाँ पर ये बंदा भाई दो दो बंदे हुआ बट एक को मैंने यहाँ पर डैमेज किया एंड उसके बाद दूसरे बंदे को यहाँ पर मैंने डाउन कर दिया। भाई क्या ही सही टाइम पर मैंने यहाँ पर दिमाग का यूज किया था एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने इन दोनों बंदों को तो फिनिश कर दिया
गया है। यहाँ पर एक बंदा और है एंड उसे मेरे थ्री नंबर टीम मेट ने फिनिश कर दिया है। एंड यहाँ पर हमारे अलावा यहाँ पर एक बंदा और अलाइव है। एंड यहाँ पर इस मैच को तो हम खूब आराम से पूजा निकाल लेगा अगर वो अपने टीम मेट को यहाँ पर रिवाइव नहीं करे। एंड उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं मोस्ट ट्रक लेके घूम रहा था यहाँ पर मेरे टीम मेट ने उसे किल कर दिया एंड इसी के साथ हमारा यहाँ पर ये मैच भूया हो गया। एंड जैसे हमने यहाँ पर बैक किया हमें यहाँ पर MP5 100 की ग्लोरी मिल गई। सो वहाँ से सीधा निकल के हम यहाँ पर आ गए नेक्स्ट मैच में। एंड सामने ऊपर की तरफ एक बंदा था उसे हमने यहाँ पर डैमेज देने की कोशिश की एंड उसी के साथ हमने इसे यहाँ पर डाउन कर दिया है। एंड यहाँ पर मेरा टीममेट भाई क्या ही हिसाब से लूटने आया था इसे, भाई क्या ही नोबरा टीममेट है भाई, यार क्या बोलूँ यार इन टीममेट के लिए। एंड उसके बाद वहाँ से सीधा मैं निकल के यहाँ पर पीक पे आ गया। एंड यहाँ पर ग्लोर के पीछे एक बंदा था उसे क्या ही गाड़ी से ठोक के यहाँ पर डाउन किया, बट इसको पीछे से जो टीममेट है मुझे यहाँ पर डैमेज देने की कोशिश कर रहा था एंड इसी के साथ मैंने इसे यहाँ पर फिनिश कर दिया। एंड जो इसका टीममेट था इस तरफ से घूम के आ गया, बट पता नहीं मैं यहाँ पर जमीन तोड़ने क्यों कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ग्लोर में पैक भी हो सकता हूँ बट यहाँ पर मैं जमीन में फायर कर रहा हूँ, पता नहीं गाइस यार क्या हो रहा है। एंड उसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेडिकेट यूज़ किया एंड उसके बाद जो वो वाला बंदा था उसके ऊपर मैंने यहाँ पर सबसे पहले रश कर दिया। एंड वो बंदा पता नहीं किस तरफ निकल के भाग गया, नोबड़ा यार वो पहले डैमेज देता है फिर भाग जाता है। एंड उसके बाद सबसे पहले मैंने उसे यहाँ पर बंदे को ढूंढने की कोशिश की बट वो बंदा यहाँ पर मिल ही नहीं रहा था, जहाँ तक मेरे ख्याल से वो अपने टीममेट को रिवाइव देने चला गया। नहीं ये तो बंदी है, रुको इसे मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। वो क्या ही गंदे वाला हेडशॉट मार के इसे मैंने यहाँ पर फिनिश किया था, भाई बंदी क्या ही सोच रही होगी। एंड उसी के साथ सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसकी पेटी में यहाँ पर लूट वूट की। एंड यहाँ पर ऊपर की तरफ जो बंदे थे यहाँ पर डैमेज दे रहे थे, फैक्ट्री के ऊपर यार कैंप कर रहे हैं, फैक्ट्री नहीं सॉरी पीक। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं पत्थर के ऊपर आ गया बट यहाँ पर पीछे से एक बंदे ने यहाँ पर आके मुझे फिनिश कर दिया। एंड उसी के साथ जैसे हमने यहाँ पर बैक किया हमें यहाँ पर MP5 में 100 की ग्लोरी मिल गई। एंड उसके साथ मैं यहाँ पर नेक्स्ट मैच में आ गया एंड उतरते हुए मुझे यहाँ पर MP5 मिल गई, वो भी वन चिप की। एंड यहाँ पर एक वोकोन चचा ही मिल गई, इसे मैंने यहाँ पर डैमेज देने की कोशिश की एंड उसके बाद मैंने इसे यहाँ पर डाउन कर दिया। बट सबसे पहले इसे यहाँ पर फिनिश कर लेते, नहीं तो इसका टीममेट भी आ सकता है यहाँ पर मुझे नॉक भी कर सकता है। एंड जैसे मैं यहाँ पर लूट कर रहा था इसके टीममेट ने आगे मुझे यहाँ पर डाउन कर दिया एंड उसने मुझे यहाँ पर फिनिश कर दिया। बट जो मेरा टीममेट ने यहाँ पर फाइट ले रहा था एंड उसको यहाँ पर सोनिया एक्टिव हो गया एंड कैसे टाइम पे उसके पास दिमित्ती था उसने सही टाइम पे यूज़ कर लिया एंड उसके बाद उसने मुझे यहाँ पर रिवाइव कर दिया। तो और जैसे मैं यहाँ पर रिवाइव हुआ उसके बाद में वहां से सीधा यहाँ पर आ गया। एंड यहाँ पर सामने की तरफ यहाँ पर एक वुडन हाउस के अंदर एक बंदा था एंड ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा पता नहीं क्यों। एंड उसके बाद जैसे ये निकला इसे मैंने यहाँ पर डैमेज किया एंड उसके बाद मैंने इसे यहाँ पर फिनिश कर दिया। एंड ये अकेला था यहाँ पर, ये अपने टीममेट को जहाँ तक मुझे मेरे हिसाब से रिवाइव देने जा रहा था बट मैंने इसे रिवाइव ही नहीं देने दिया। एंड उसी के साथ इसकी पेटी में यहाँ पर मुझे 3 चिप के M4A1 मिल गई। एंड चलो सबसे पहले यहाँ पर हम मेडिकेट मार के अपनी हेल्थ फुल कर लेते, नहीं तो कोई भी बंदा आके यहाँ पर हमें आके फिनिश करके जा सकता है। एंड उसके बाद वहां से सीधा मैं मोस्टर ट्रक ठाके यहाँ पर आ गया एंड सामने की तरफ एक बंदा जा रहा था, इसे मैंने मोस्टर ट्रक से ठोका बट पता नहीं क्यों गाइस ये डाउन ही नहीं हुआ। एंड इसका टीममेट ने कैसे टाइम पे एंट्री मारी एंड इसने मुझे यहाँ पर डाउन कर दिया। बट जो मेरा टीममेट है भाई क्या ही प्लेयर है भाई, इस पे ये बंदा डाउन नहीं हुआ, ये आके रश भी कर सकता था, इसे डाउन भी कर सकता था बट वो भाग गया। बट मैं यहाँ सबसे पहले फिनिश हो गया एंड उसके बाद रिवाइव होके मैं यहाँ पर आ गया। एंड यहाँ पर नीचे की तरफ एक बंदा था इसे मैंने सबसे पहले यहाँ पर फिनिश किया। एंड यहाँ पर सामने मेरे अलावा यहाँ पर 3 बंदे लाइव थे एंड एक बंदा तो सामने की तरफ था। सबसे पहले मैंने जो नीचे वाला बंदा था उसकी पेटी में यहाँ पर अच्छी खासी लूट की क्योंकि यहाँ पर मेरे पास लूट नहीं थी क्योंकि मैं अभी रिवाइव होके यहीं पर उतरा था। एंड उसके बाद यहाँ पर जो सामने वाला बंदा था एंड वो भाई यार क्या ही कर रहा था वो बंदा। एंड उसके बाद उसने यहाँ पर अपना ड्रोन छोड़ दिया एंड उसी के साथ एक बंदा यहाँ पर ग्लूवॉल के पीछे भी था बट यहाँ पर जोन मेरे पास नहीं बना भाई, जोन ने ही धोखा दे दिया क्या कहूँगा इसमें। एंड यहाँ पर मैं ग्लूवॉल में पैक होकर यहाँ पर मेडिकेट कर ही रहा था, ये बंदा यहाँ पर बार बार ग्लूवॉल तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एंड यहाँ पर मैंने इसे AWM से डाउन करने की कोशिश की बट यहाँ पर ये भाई बंदा क्या है। एंड उसी के साथ सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेडिकेट यूज़ किया एंड उसी के साथ मैं वहाँ से सीधा यहाँ पर आगे की तरफ यहाँ पर ग्लूवॉल प्लेस करके आ गया। एंड उसी के साथ यहाँ पर ये बंदा भाई क्या ही है, क्या है भाई ये बंदा है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ग्रेनेड कुक किया बट यह भाई इस बंदे ने यहाँ पर ये क्या बोलते हैं ग्लू होल तोड़ने वाला यहाँ पर एक ग्रेनेड कुक कर दिया। एंड उसके साथ यहाँ पर मैंने दिमित्री ऑन कर लिया सही टाइम पे बट इस बंदे ने यहाँ पर बोले तो यहाँ पर ग्लू बेक कर ग्रेनेड फेंक दिया एंड यहाँ पर इसी के साथ इसने मुझे यहाँ पर फिनिश कर दिया। एंड उसी के साथ जैसे हमने यहाँ पर बैक किया हमें यहाँ पर MP5 में 71 की ग्लोरी मिल गई। चलो मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट मैच में।